ओके फ्रेंड्स, सो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि हमने एक प्रपोजल क्रिएट किया। प्रपोजल क्रिएट करने के बाद आगे हमने उसका ईकेवाईसी किया। ईकेवाईसी करने के बाद उसका डेट ऑफ बर्थ गलत था, जो आधार और नॉर्मल जो हमने एंट्री किया था, इसलिए वहां पर वो रुक गया और प्रोसेस नहीं हुआ। हम उसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब आप लॉग इन करके यहाँ पर आ जाते हैं, ये लॉग इन कैसे करना, क्या करना, पिछले वीडियो में आप देखिए। तब इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है पेंडिंग केसेस में। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शंस दिया, प्रीमियम कैलकुलेटर, पेंडिंग केसेस, इंक्वायरी, एडमिन जॉब। तो वहां पर आपको जाना है पेंडिंग केसेस में। पेंडिंग केसेस में पेंडिंग लीड पर जाना है आपको। जो आपने लीड क्रिएट किए हैं वो सारे लीड आपके सामने दिखेगा। शो आप देख सकते हैं आपके सामने एक्सेस कोड भी, एक्सेस आईडी भी लिखा हुआ है, प्रपोजल नेम एंड प्रपोजल डेट ऑफ बर्थ। यानी ये यहां तक एक्सेस आईडी क्रिएट तो हो गया, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ा। सो हम उसके आगे बढ़ते हैं जो हमने छोड़ दिया था। तो हम यहाँ पर एडिट पे किया, दोबारा एक बार आपको चेक कराता हूँ। पेंडिंग केस पे जाएंगे, पेंडिंग लीड पर जाएंगे। पेंडिंग लीड पर जाने के बाद आपके सामने जितने भी आपके लीड्स हैं वो सामने दिखेगा। यहाँ पर फिर डिस्प्ले जगह पर लिखा हुआ एडिट एंड व्यू, तो एडिट पर जाएंगे आप। एडिट पे जाने के बाद आपके पास वही आ गया, क्लाइंट का आपको केवाईसी कंप्लीट कराना, जो हमारा पेंडिंग था। हम यहाँ से प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेस करने के बाद जैसा मैंने पहले बताया था, आपको क्लाइंट का जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है डालना है। क्लाइंट का हमने जो फाइल डाउनलोड किया हुआ है और जिसमें हमने पासकोड डाला है वो पासकोड डालना है, और जो आधार हमने क्लाइंट का डाउनलोड किया हुआ है ऑफलाइन ईकेवाईसी, उस ऑफलाइन ईकेवाईसी के आधार को हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करके जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर क्लाइंट की सारी डिटेल्स, यानी क्लाइंट के पास एक ओटीपी चला जाएगा और OTP में लिखा होगा वेलकम टू LIC, और उसके बाद वहां पर आपको एक कोड लिखा होगा। उस कोड को आपको यहां पर लिखना है। मेरे पास कोड आ गया है, सो यहां पर मैं लिख देता हूं और कंटिन्यू कर देता हूं। ये कोड क्लाइंट के पास आएगा, इसलिए आपको क्लाइंट से लेना है, या क्लाइंट के साथ बैठे हुए हैं तो क्लाइंट के साथ काम करना है। सो आपके सामने फिर क्लाइंट का डिटेल आ गया। अब हम इसको प्रोसेस करेंगे जैसा कि हमने पहले प्रोसेस किया था। यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब ये सिस्टम आपको वेरीफाई करेगा पूरा डिटेल्स। सिस्टम ने पूरा डिटेल्स अपने आप वेरीफाई कर लिया है। अब आपको एक्सेस कोड भी दे दिया, एक्सेस आईडी भी दे दिया है। हमें आगे इस पे अब क्या क्या है इसमें आप देखेंगे, होम एड्रेस, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ऑक्यूपेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें हमें वन बाई वन करके फिल करना है और सेव करते जाना है, ताकि इनकेस हमें बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको, हमारे जो हमने फिल किया है वो कंटिन्यू रहे। आपने पूरा डिटेल्स फिल कर लिया। इसके बाद यहाँ पर अगर एड्रेस अलग है तो आपको यहाँ पर एड्रेस मेंशन करना है। अगर एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर सिंपल सेव एज रेजिडेंस एड्रेस करके क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको नीचे सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है। ये सब जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आएगा आपका यहाँ पर एज प्रूफ में आप क्या लगा रहे हैं। आप जो भी एज प्रूफ में दे रहे हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। अब इसमें एज प्रूफ, जैसे हम LIC में एज प्रूफ लगाते हैं, वहां पर आप एज प्रूफ आप सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आपके पास आधार दे रहे हैं तो आधार सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपके पास एज प्रूफ दे रहे हैं सेलेक्ट कर लीजिए। आपका अब क्लाइंट का स्टेटस देखना है, मैरिड, सिंगल, वो आपको डालना है। एड्रेस प्रूफ आपका ऑलरेडी, आपने आधार सेलेक्ट किया तो ऑलरेडी सब कुछ आ गया। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, सब कुछ आधार उसने उठा लिया है तो आपको वहां पर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लाइंट का आप डाल सकते हैं, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। प्लेस ऑफ बर्थ आपको अपने से डालना है जो क्लाइंट का है। पैन नंबर और नेम ऑफ स्पाउस आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर आप देखिए जितने भी स्टार बटन लगा हुआ है, रेड स्टार, वो इंपॉर्टेंट है, वहां पर डालना जरूरी है। फिर आपके पास यहाँ पर नीचे देखेंगे पॉलिसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सारी जो आपने किया हुआ है वो सब आपको दिखेगा, और सब चेक करने के बाद इनकेस आपको कोई चेंजेज है तो आप अभी कर सकते हैं, और उसके बाद सेव एंड प्रोसेस कर दीजिए। जब आप सेव एंड प्रोसेस करेंगे उसके बाद आपके पास यहाँ पर डिटेल आ गया, ऑक्यूपेशन, नेचर ऑफ ड्यूटी, सोर्स ऑफ इनकम, जो हम ऑलरेडी फॉर्म में भरते हैं वो सारी डिटेल्स है। तो आप क्लाइंट का ऑक्यूपेशन क्या है आप देख लीजिए क्लाइंट क्या करते हैं आपके अकॉर्डिंग, और वहां पर आपको डाल देना है, जैसे अगर सर्विस करते हैं या क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स है या जो भी है उनकी नेचर ऑफ ड्यूटीज आप सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद इनकम प्रूफ, यहाँ पर क्या है, सैलरी है, कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी है, बिजनेस है, आपको सेलेक्ट करना है।
इनकम कितना है ये ध्यान रखिए, इसमें जितने भी स्टार हैं वहां पर आपको डालना जरूरी है। तो इनकम में क्लाइंट का जितना इनकम है आप उनको वहां पे फिल करते जाइए, और उसके बाद अगर कोई जॉब करते हैं तो कंपनी का नाम और कितने साल से करते हैं ये सब आपको डालना जरूरी है। उसके बाद नीचे आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, अगर ये कह रहा है कि क्या वो टैक्स पे करते हैं तो जो अगर टैक्स पे करते हैं आईटीआर उनका है तो यस कीजिए, और नहीं करते हैं तो नो कीजिए। अब जीएसटी है तो जीएसटी अगर कोई लेना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो। जब नो करेंगे तो कुछ भी नहीं डालना है, यस करेंगे तो उनका जीएसटी नंबर यहाँ पर डालना होगा। अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे जीएसटी का बेनिफिट लेना है तो आपको जीएसटी डालना है, नहीं तो नो करना है। अब उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको यहाँ पर फिल करना है, यस नो में जवाब देना है। मैक्सिमम केस में ये सारे जैसे कि आप लोग फॉर्म में भरते हैं नो 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 होता है, सो आप यहाँ पर नो 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 और नो सेलेक्ट करिए, एक बार पढ़ के आप कीजिएगा, और उसके बाद जब आप नो 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 करेंगे तो आगे अगला आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रपोजर। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रपोजर, जो हमारे प्रपोजर हैं उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस जो हम लोग फॉर्म पे भरते हैं, रिस्क कवरेज एंड सेविंग, ठीक है, अगर बच्चे के लिए तो सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन आपको डालना है, मैंडेटरी नहीं है लेकिन हम डालें तो बेटर है। इनकम प्रूफ नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम क्या लगा रहे हैं, आईटीआर लगा रहे हैं, सैलरी स्लिप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, तो नो इनकम प्रूफ सबमिटेड है, या फिर अगर आईटीआर लगा रहे हैं तो आईटी रिटर्न्स आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इन टैक्स ब्रैकेट, अगर उनका कोई टैक्स ब्रैकेट आपको पता है, ये सब मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप डाल सकते हैं, अगर आपको पता है कि टैक्स ब्रैकेट क्या है क्लाइंट का तो आप डाल सकते हैं, 5% 10% या 20%, ठीक है। सिक्योर्ड लोन आपको अगर कुछ पता है तो डालिए, अनसिक्योर्ड लोन पता है तो डालिए। इस क्वेश्चन है, इस टोटल इंश्योरेंस एडेड प्रेजेंट प्रपोजल रीजनेबल इन रिलेशन ऑफ इनकम, तो आप चाहे तो यस या नो कर सकते हैं, या इसको आप पूरी तरीके से छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशंस नहीं है कि आपको करना ही करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए, आप इसको चाहे तो करें अन्यथा नहीं करें। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल। अब आपको प्रीवियस पॉलिसी डिटेल अगर क्लाइंट का है तो आपको डालना है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे ऐड करेंगे तो आपके पास खुल के आ जाएगा कि उनके पॉलिसी नंबर क्या क्या है, और डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए। उसके बाद प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल्स, यहाँ पर सब में मैक्सिमम में नो नो होगा, आप एक बार चेक करेंगे तो ये सारा क्वेश्चंस नो कर दीजिए, आपके लिए यस होगा तो डिटेल्स फिल करना है, नो कर दीजिए एंड सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। जब सेव एंड प्रोसेस करेंगे आपके पास दूसरा पेज खुल जाएगा जिसमें आपको डिटेल्स क्या डालना है, उनकी उनके मदर फादर की डिटेल्स डालने हैं कि मदर फादर की एज क्या है। जैसे आप रिलेशंस में चूज कीजिए, जैसे हम लोग नॉर्मली फॉर्म में भरते हैं अपना मदर फादर ब्रदर सिस्टर, तो वही अब फादर हैं या नहीं है, नहीं है तो आप फादर हैं तो यहाँ पर आप लिखिए, नहीं है तो यहाँ लिखिए, राइट। अगर फादर यहाँ पर डाल रहे हैं तो आप उनका एज और गुड हेल्थ लिख दीजिए, और नहीं तो फिर आप यहाँ पर आपका कॉज ऑफ डेथ जो भी है आपको यहाँ पर डाल लेना है, और उसके बाद सेव कर देना है, राइट। उसी तरह से मदर का डिटेल, यानी दो डिटेल इसमें इंपॉर्टेंट है, फादर और मदर का, ठीक है, तो फादर एंड मदर का डिटेल्स आपको डालना है और सेव कर देना है। ये जब दोनों सेव हो गया फिर आपको नीचे जाना है, यहाँ पर डिटेल्स दिख गया, अगर ये सब कुछ ठीक है तो सेव एंड प्रोसेस कर देना है, ठीक है। आप और भी डिटेल डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद हैबिट, उनकी क्या आदतें हैं, आपको अल्कोहल लेते हैं, यस या नो, तो मैक्सिमम में नो होता, ये कंपल्सरी है। देखिए यहाँ पर दिया है डू यू स्मोक, तो आपको यस या नो, अगर नो कर देते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर वो लेते हैं तो आपको दिखाना जरूरी है, और स्टेट ऑफ हेल्थ, यहाँ पर उनकी हाइट वेट क्या है, तो आपको हाइट वेट वेट डालना है, हाइट वेट जितना भी क्लाइंट ने बताया है या जो आप जानते हैं उसको डालिए। और उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन योर यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, यानी क्लाइंट का हेल्थ नॉर्मली कैसा होता है, तो आप गुड लिखेंगे, नॉट गुड है तो पॉलिसी तो ऐसे भी नहीं होना है, इसलिए आप गुड कीजिए। हैबिट डिटेल्स में आपको डालना है,
क्वेश्चन सिंपल है कि क्या इनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। अगर आप यस करेंगे तो पॉलिसी होगा नहीं, फिर नो कीजिए। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो यस करेंगे तो मेडिकल चेकअप में जाएगा और मेडिकल होगा। उसके बाद क्वेश्चन है फैमिली मेडिकल हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली मेडिकल कुछ हिस्ट्री है जिसमें आप किसी भी हार्ट स्ट्रोक या ब्लड प्रेशर या कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आपको यस करना है अन्यथा नो करना है। मेडिकल कंडीशंस जो मेडिकल हिस्ट्री है आपको मैक्सिमम नो होते हैं, अगर यस होगा तो उसका डिटेल्स आपको देना है। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड करना है। अगर डॉक्टर डिटेल्स डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज सेव एंड प्रोसेस कर दीजिए। सेव एंड प्रोसेस करने के बाद अब आता है सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी बेनिफिट, जो हमारे फॉर्म पे होता है कि आप ये सेटलमेंट में लेना चाहते हैं। अगर आपने पॉलिसी किया जीवन लाभ और चाहते हैं कि मैच्योरिटी पे 15 साल में मिले तो आपको सेटलमेंट यस करना है और वहां पर 5, 10, 15 चूज करना है, पार्ट या फुल करना है या मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको चूज करना है। नो तो नो कर दीजिए। मैक्सिमम केसेस में आप लोग नो करते हैं क्योंकि क्लाइंट को सेटलमेंट ऑप्शन कम पसंद होता है। उसके बाद डेथ बेनिफिट पेमेंट डिटेल्स, आपको यहाँ पर डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में चाहिए या नहीं, तो इंस्टॉलमेंट में नहीं चाहिए भैया, एक ही बार पैसा चाहिए, नो कीजिए और सेव एंड प्रोसेस कर दीजिए। जब आप सेव एंड प्रोसेस कर देंगे तो क्लाइंट का यहाँ पर आईएफएससी, अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है नॉमिनी। जो नॉमिनी आप मैक्सिमम 3 नॉमिनी कर सकते हैं इसमें, अगर आप एक नॉमिनी रखना चाहें, 2 रखना चाहें, 3 रखना चाहें, क्लाइंट जितना चाहे तो आप उनको नॉमिनी ऐड कीजिए। और नॉमिनी ऐड करने के बाद उनके साथ रिलेशन क्या है आप रिलेशन ऐड कीजिए। क्लाइंट के नॉमिनी की एज कितनी है, एज कीजिए 100% तो 100%। एड्रेस में यहाँ पर सेम एज लाइफ एश्योर्ड कर दीजिए। और उसके बाद अगर आपको और ऐड करना है तो ऐड मोर कीजिए, अन्यथा सेव एंड प्रोसेस कर दीजिए। सेव एंड प्रोसेस करने के बाद तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स डालना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना ये प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पर बैंक डिटेल डाल दिया। बैंक डिटेल्स डालने के बाद आगे फिर से हम प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेस करने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास क्या डिटेल्स आता है, नेम ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड आ गया। कोरोना का हमें वो देना है कि कोरोना है या नहीं है, जो हम लोग कोरोना का फॉर्म भरते हैं उसी के बारे में हमें डालना है। तो इसमें भी मैक्सिमम में नो 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 होता है, अगर कोई यस है तो आपको लिखना है, अन्यथा नो कीजिए। और उसके बाद सबसे लास्ट में सेव एंड प्रपोज कीजिए, प्रोसेस कीजिए। सेव एंड प्रोसेस करने के बाद फिर देखते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है डिक्लेरेशन बाय द प्रपोजर। प्रपोजर का नाम लिखा हुआ आएगा और वो डिक्लेयर करते हैं कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। उसी तरह से कंसेंट आपका आ गया, यहाँ पर फिट है, कंसेंट ओनली फॉर प्रोसेसिंग एलआईसी प्रीमियम वेबर। ये सब चीजें आपके पास सामने है क्लाइंट को देखने के लिए, आई एग्री कीजिए। अब आता है आपका ACR यानी एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। सो आपको यहाँ पर डालना है कि आप क्लाइंट को कितने साल से जानते हैं, तो आपको लिखना है, ठीक है, 10 मंथ, 1 मंथ, हाउ, जो भी आपके पास डिटेल्स वो आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर आप अपना जो ACR हम भरते हैं उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। सो उसके बाद क्वेश्चन है आर यू रिलेटेड टू यस या नो, तो यस या नो आपका जो भी है सो आपको यहाँ पर देना है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ प्रपोजर, तो आपने जो उनसे बात किया है वो आपको लिखना है। उसके बाद पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, तो आपको नो करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, नीचे पर प्लीज गिव द डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट अगर है तो कितने इनकम है, प्रोफेशन से कितना इनकम है, बिजनेस से कितना इनकम है, तो जो भी आपके हम नॉर्मली हम फॉर्म पे भरते हैं वो सब भर देना है। और उसके बाद जो हमने फॉर्म में भरा है वो भर देते हैं। और उसके बाद नीचे आगे बढ़ते, सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसमें आपको कुछ भी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल हम लोग फॉर्म पे ऑलरेडी भरते हैं।